Hey, this is Venkatraj. Welcome to the YouTube channel Study XIIT JEE. Recording trigonometry. Okay, हम discuss करेंगे कि कैसे prepare करना है trigonometry को JEE main और JEE advanced के लिए. तो trigonometry के अंदर चार topics आते हैं. Trigonometric ratios and identities, trigonometric equations, solution of triangle, inverse trigonometric functions. Okay, हम discuss करेंगे ये सारे points. कि weightage क्या है, कौन सा book इस्तेमाल करना है, ठीक है? Strategy क्या रहना होगा, ठीक है? और revision time पे कैसे prepare करना है? और कुछ मिथ्स है, ठीक है? मिथ वर्सेस ट्रूथ, ठीक है? उसे हम डिस्कस कर रहे होंगे. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज ये हमारा पहला टॉपिक होता है. एक्चुअली लॉगरिथम के बाद हम यही पढ़ रहे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज. कुछ लोग या कुछ कोचिंग में इसे कंपाउंड एंगल के नाम से जानते हैं. ओके, एक ही है. फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये दो 11th के टॉपिक है सीबीएसई के अनुसार या एनसीईआरटी के अनुसार, और ये दो 12th के टॉपिक है, ठीक? ये पहला टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज. हम लोग काफी अच्छे से प्रिपेयर भी करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी नया क्वेश्चन आता है कभी टेस्ट वगैरह में, तो या फिर जे एडवांस के भी एक आध क्वेश्चन, मतलब ऐसे लगते हैं कि मतलब वो हो ही नहीं सकता है. इतने अच्छे से प्रिपेयर करा फिर भी नहीं हो पाएगा. या फिर एक दूसरा प्रॉब्लम होता है कि ढेर सारे फॉर्मूले हैं. इन फॉर्मूले का अगर आप लोग स्टडी एक्स से ही पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री, उसमें मैंने बस एक फॉर्मूला जो कंपाउंड एंगल का था, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी, ठीक है? ये मैंने ज्योमेट्रिकली प्रूफ करा था, और मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? ये अगर बस याद रखो, जो प्रूफ था ज्योमेट्रिकली वो थोड़ा सा कठिन भी है. ओके, काफी लोगों को कठिन ही लगा होगा. इसी से मैंने सारे फॉर्मूले प्रूफ करे थे, फिर इससे जो रिजल्ट आया उसी से ऑब्टेन करके ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हमने लाए. ओके, उसके बाद सम इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इनटू सम, वही ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, फिर डबल एंगल ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले, वो तो इसी से आता है ना. तो फॉर्मूले तो मैंने सारे डिराइव कर रखे हैं. और क्या है कि 80-90% फॉर्मूले आपको याद भी होते हैं, लेकिन आपको बस कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ठीक है क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो कॉन्फिडेंस नहीं होता. लेकिन जेईई मेन या जेईई एडवांस क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, आप चाहोगे तो आप कर लोगे. और इसका वेटेज जो होता है ना, जो डायरेक्ट वेटेज, वो उतना ज्यादा नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट अगर बोलूं तो. अगर चार टॉपिक है, जेईई मेन में तो ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है ही नहीं, जेईई मेन में तो ये टॉपिक नहीं है ना. जब आप जेईई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एक्सक्लूसिवली, उस टाइम अगर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में बस साइन रूल कोसाइन रूल ये सब टेंजेंट का रूल या फिर एरिया का फॉर्मूला ये सब याद है, वेल एंड गुड, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है? फिर बचता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये तीनों टॉपिक, ठीक है? जेईई मेन में इन तीनों टॉपिक से बहुत आसान क्वेश्चन आता है. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अभी चल रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं अभी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. तो इसमें 6-7 टाइप है, बहुत सिंपल टाइप है, ठीक है? मैंने काफी अच्छे से समझा रखा है. तो जेईई मेन में ही, जेईई एडवांस में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, और वो बहुत आसान रहेगा. अगर आपने नोट्स वगैरह भी अच्छे से कर रखे हैं और प्रीवियस ईयर बस कर रखे हैं ना, तो काफी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपका प्रिपेयर्ड है. सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एक कठिन चैप्टर है, ठीक है? लेकिन कठिन पता है कब है? जब आप बिल्कुल सिलेबस से बाहर जाके पढ़ रहे हो, ठीक है? पीडेंट ट्रायंगल वगैरह पढ़ रहे हो बहुत ज्यादा, ठीक है? देखो कि लास्ट 20-25 साल में जिससे क्वेश्चन आया वही टॉपिक तैयार करो, तो फिर ये बहुत ज्यादा टफ नहीं. मैंने जब दिया था जेईई एडवांस 2018 में, तो बिल्कुल साइन रूल कोसाइन रूल एरिया, ये जो सिंपल फॉर्मूले हैं, एरिया हाफ बी सी साइन ए वाला, यही सब फॉर्मूले पे आया था क्वेश्चन, बहुत सिंपल, ठीक है? और जेईई मेन वगैरह में भी वैसा ही सिंपल क्वेश्चन आता है. फिर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इसमें आपको डोमेन रेंज बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बस अगर आपको इतना भी क्लैरिटी है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. और देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो क्वेश्चन आता है ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आता है, बहुत कम. लेकिन हाँ, ये ऑप्शन में कोई क्वेश्चन है उसके चार ऑप्शन में से एक दो ऑप्शन में ये घुसा रहेगा, ठीक है? ऐसे एक दो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? उसमें ऑप्शंस में कहीं ना कहीं एम्बेडेड रहेगा, ठीक? तो इसमें आपको डोमेन रेंज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है कि वो सब आपको क्लियर हो, ग्राफ क्लियर हो, फिर जो 2-4-5 प्रॉपर्टीज है जो सिंपल सिंपल वो क्लियर है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी. हाँ, लेकिन इससे डर लगता है थोड़ा सा, तो भाई फियर जो है ना थोड़ा सा आता है ये टॉपिक और ये टॉपिक भी. इस टॉपिक का जो फियर है ना, वो थोड़ा सा आप ना दे, ठीक है? ये आता है वही टेस्ट वगैरह ये क्वेश्चन जो सर लोग थोड़ा सा कठिन कठिन क्वेश्चन सेट कर देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा अनवांटेड क्वेश्चन, तो उस कारण से फियर डेवलप हो जाता है इस चैप्टर में. और ये चैप्टर भी कोई कठिन नहीं है. ये तो हमने बात किया क्या डायरेक्ट वेटेज, अब इनडायरेक्ट वेटेज इसका बहुत ज्यादा है. कैलकुलस आप पढ़ ही नहीं सकते ट्रिग्नोमेट्री के बिना, ठीक है? साइन स्क्वायर एक्स का आपको मैं इंटीग्रेशन करने बोलूंगा, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है? इसका इंटीग्रेशन, चलो अभी लिमिट नहीं देते हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद है cos 2x को sin square x के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, cos 2x क्या होता है, 1 minus 2 sin square x, तो
तो साइन स्क्वायर एक्स को कैसे कॉस टू एक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप कैसे इसका निकाल पाओगे, डेरिवेशन नहीं निकाल पाओगे। तो इंटीग्रेशन में एक्चुअली हर दूसरा क्वेश्चन जो होता है ना उसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होता है, या फिर एरिया अंडर द कर्व में अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दैट मैटर, तो कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना है उसमें ट्रिग्नोमेट्री जरूर इन्वॉल्व होगा। तो कोई भी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री उसमें एम्बेडेड होगा ही, वो इन्वॉल्व होगा ही। तो ये जो मिथ है ना कि इसका वेटेज बहुत कम है, बस वो जो हम डायरेक्ट वेटेज देख लेते हैं कि इस साल कितने 3 या 4 क्वेश्चन आए, 4 चैप्टर 4 क्वेश्चन, ये 4 चैप्टर 3 क्वेश्चन, तो लगता है कि बहुत कम वेटेज है, बट एक्चुअली ये ट्रुथ नहीं है। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं ना इनडायरेक्ट रूप से चैप्टर। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो ये सेगमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में ना ले। हाँ, और बीच में फ्रस्ट्रेटेड हो गया आप छोड़ ना दे, ठीक है, आप ट्राई करते रहे, सबको कठिन लगता है। ठीक है, मैं जब पढ़ रहा था मुझे भी कठिन लग रहा था, ठीक है, आपके सर जो भी पढ़ाते होंगे और या फिर आपके सर के सर, सबको सबको कठिन लगता है, इनको कोई फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है, पढ़ते जाना है। अब है कि वेटेज हमने डिस्कस कर लिया, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी डिस्कस कर लिया, ओके, और मिथ फियर ये सब भी। बुक्स कौन सा प्रेफर करें, देखिए आप बुक्स के लिए मैं कहूंगा, देखिए दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो कोचिंग में एनरोल्ड है, एक जो बस स्कूलिंग कर रहे हैं। तो स्कूलिंग वाले कोई ना कोई तो बेस बुक कवर कर रहे होंगे, या तो एनसीईआरटी या फिर आरटी शर्मा, जो भी आपका बेस बुक होगा वो करें, और साथ में जो बोर्ड वाले बच्चे हैं बस, ठीक है, जो कोचिंग में एनरोल्ड नहीं है, वो आप क्या करें ना, या तो सिंगेज कर लें, सिंगेज के सिंगल करेक्ट, बस सिंगल करेक्ट, और कुछ नहीं करना है आपको सिंगेज से, बस सिंगल करेक्ट। आप 50 क्वेश्चन लगा लें हर ऑल्टरनेट क्वेश्चन, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है ना ऑल्टरनेट 50% क्वेश्चन कर लें उसके, ओके। तो जो स्कूलिंग वाले बच्चे हैं 50% सिंगल करेक्ट टाइप कहां से कर लेना है, सिंगेज से, और इसके बाद प्रीवियस ईयर निकाल लेना है आपको। आप नेट से भी निकाल के कर सकते हो, ओके, या फिर आप बुक ही खरीद लो। और हमने डिस्कस कर रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का, एडवांस का जो क्वेश्चन है हम सारे डिस्कस कर रखे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर एडवांस के क्वेश्चन है, और क्लास में साथ साथ में तो काफी सारे क्वेश्चंस कराए ही है मैंने आपको, और आप अलग से सेक्शन भी आर्काइव्स का उसमें भी करा रखा है, लेक्चर नंबर 10 है गाइस ओवर ट्रिग्नोमेट्री का। तो बुक यही प्रेफर करें सिंगेज, अगर आप स्कूलिंग कर रहे हैं तो बस सिंगल ग्रेड क्वेश्चन करना है 50% और प्रीवियस ईयर। और जो बच्चे हैं, ठीक है, जो कोचिंग में एनरोल्ड हैं, वो मैंने काफी को देखा है ना कि वो कोई भी बेस बुक नहीं करते हैं, वो कोचिंग का मटेरियल ही करते हैं, और कोचिंग के मटेरियल में थोड़े से वाहिया टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं 10%, ठीक है, जिनको देख के आप डर जाते हैं, वही 10% जो होता है आपका पूरा मतलब आपको फ्रस्ट्रेट किए हुए रहता है। आप एक बेस बुक करें, आप एनसीईआरटी कर सकते हैं या फिर एसएलओनी कर लीजिए, ठीक है, जो आपको ठीक लगे, दोनों में से कोई प्रेफर कीजिए, और जो कोचिंग का मटेरियल है उससे करें, और आप थोड़ा सा अनवांटेड क्वेश्चन से बचें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपके थोड़े से कोचिंग मटेरियल में ना थोड़े से अनवांटेड क्वेश्चन है तो उनसे बचें। और जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ना अपने कोचिंग मटेरियल के, तो आप उसको नोट करते जाएं, जो कि रिविजन में काम देगा, जो भी अच्छे क्वेश्चन है नोट करें। अगर आपने 10 क्वेश्चन करे तो आपको जो 2-3 अच्छे क्वेश्चन लगे ना वो नोट करें, और उसको जब रिविजन आप कर रहे होंगे तब करते जाएं। रिविजन का ही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप थोड़ा सा थ्योरी एक बार रिकॉल कर लेते हैं, और उसके बाद जो जो भी क्वेश्चन आपने टिक करके रखे हैं ना, मार्क करके रखे हैं, वो कर लो, ये बेस्ट तरीका है रिवीजन का, आपको सब कुछ याद आने लग जाएगा, ठीक है, एक एक लेक्चर सब कुछ रिकॉल होगा, ठीक है। तो जैसे होता है ना फिल्म की तरह आपके सामने आते जाएगी, हाँ मेरे को यहाँ यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ था, टेस्ट में मैंने ये गलतियां करी थी, ये सबको मुझे सुधारना है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है रिवीजन का। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप करें, प्रीवियस ईयर का एक एक क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। काफी लोग क्या करते हैं, काफी लीक जब एग्जाम अप्रोच कर रहा होता है उससे 2 महीने पहले खरीदते हैं प्रीवियस ईयर की किताब और फिर करने बैठते हैं, उसे कुछ नहीं हो पाता है, वो बस सॉल्यूशन पलटते रहते हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्यूशन, यही क्वेश्चन देखना है फिर सॉल्यूशन देखना है, क्वेश्चन देखना है सॉल्यूशन देखना है, यही खेल उनका चल रहा होता है, उसे कोई भी फायदा नहीं हो रहा। तो आप शुरू से करते जाए प्रीवियस ईयर पेपर, करेक्ट, ठीक है, सारे पॉइंट्स मैंने आए कवर कर लिए हैं, ठीक है। पांचवी बार है, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे। तो अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, हम खत्म ही कर रहे होंगे 1-2 दिन में, उसके बाद हम डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए बाय, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे।